आज का वीडियो बहुत खास है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं होली पर किस रंग के से आपको खेलना चाहिए, कौन सा रंग आपके अनुकूल है, कौन सा रंग आपके प्रतिकूल है। इसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हुई हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो बहुत खास है मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर, आप पूरा देखना, आपको अच्छा लाभ होने वाला है, क्योंकि ये रंग आपकी किस्मत को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में दी जा रही है, इसको पूरा देखिएगा। जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करना। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। मेष राशि और मेष लग्न वालों को लाल रंग का कलर काम में लेना चाहिए। लाल रंग का गुलाल भी ले सकते हैं, लाल रंग का कोई गुब्बारा भी ले सकते हैं, लेकिन गुब्बारों का प्रयोग हम आपको करने की सलाह नहीं देंगे। रंगों से ही खेलें होली, और वो भी नेचुरल रंगों से खेलते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। आपको इस दिन चुकंदर का सेवन अवश्य करना चाहिए मेष लग्न वालों, मेष राशि वालों, इससे आपको फायदा होगा और आपकी किस्मत जगेगी। और काली चीज़ों का दान दीजिए या हरी चीज़ों का दान इस दिन आपको देना चाहिए, इस दिन ऐसा करने से आपको फ़ायदा होता है। वृषभ लग्न वालों के लिए वाइट और हरा रंग शुभ होता है, काला रंग भी उनके लिए शुभ होता है, तो काले रंग का प्रयोग करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। और दूसरों को लगाना हो तो लाल या पीला रंग लगाएं, इससे आपका फ़ायदा होगा। मिथुन लग्न या राशि वालों को हरा रंग स्वयं यूज़ करना है, लेकिन अगर किसी को लगाना पड़े तो लाल रंग यूज़ करें तो आपको फ़ायदा होगा। कर्क लग्न वाले स्वयं के लिए पीला रंग काम में लेवें, और दूसरों को लगाने के लिए हरा रंग या काला रंग काम में लेते हैं तो उनका भाग्योदय शीघ्र ही होने लगता है। वृष लग्न वालों को काली गाजर इस दिन खानी चाहिए होली के दिन, और अमरूद का सेवन करना चाहिए। मिथुन लग्न वालों को साबुत मूंग खाने चाहिए, इससे उनका भाग्योदय होता है। कर्क लग्न वालों को लाल गाजर खानी चाहिए। आइए सिंह की बात करते हैं। सिंह लग्न वालों को काला रंग दूसरों को लगाना है, हरा रंग लगाना है दूसरों को, और स्वयं के लिए लाल रंग काम में लेना है, भगवा कलर काम में लेना है, इससे आपका भाग्योदय होगा। इस दिन आपको ऑरेंज कलर की गाजर का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। कन्या लग्न या राशि वालों को लाल रंग दूसरों को लगाना है, और हरा या नीला रंग स्वयं के लिए काम में लेना है। स्वयं के लिए काम में लेने का मतलब है आप अपने घर के लोगों के लिए भी ये रंग यूज़ कर सकते हैं। इस दिन आपको कोई भी हरा फल खाना चाहिए, इससे आपका भाग्योदय होता है। आइए तुला की बात करते हैं। तुला वालों के लिए काला रंग बहुत शुभ होता है, और काले रंग का प्रयोग या सफ़ेद रंग या सिल्वर रंग का प्रयोग करते हैं तो वो उनका भाग्योदय करता है, और उनको लाल रंग या पीला रंग दूसरों को लगाना चाहिए। इस दिन उनको काली गाजर अवश्य खानी चाहिए। आइए वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए मैरून या लाल रंग शुभ होता है, और दूसरों के लगाने के लिए हरा रंग काम में लेवें, इनको अच्छा फील होगा, इससे इनकी शत्रु बाधा भी शांत होती है। इस दिन वृश्चिक लग्न वालों को संतरे का सेवन करना चाहिए, संतरे का सेवन उनका भाग्योदय करता है और राज्य पक्ष प्रबल करता है। आइए धनु की बात करते हैं। धनु वालों को इस दिन पपीता खाना चाहिए। काले रंग का प्रयोग दूसरों के लिए करें, इससे उनको फ़ायदा होगा, और स्वयं के लिए पीला रंग या सुनहरा रंग काम में लेते हैं या लाल रंग काम में लेते हैं तो इनको अच्छा फील होगा और भाग्योदय होगा। मकर लग्न वालों के लिए या मकर राशि वालों के लिए काला रंग स्वयं के काम में लेना है, सिल्वर कलर स्वयं के काम में लेना है, और इस दिन इनको काली गाजर खानी है। दूसरों के लिए पीला रंग काम में लेवें और भगवा कलर काम में लेते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। कुंभ वालों के लिए काला रंग शुभ होता है, पीला रंग दूसरों के लगाने के काम में लेवें, इससे इनको लाभ होता है। संतरे का सेवन इस दिन उनको करना चाहिए, फ़ायदा होगा। मीन लग्न या राशि वालों के लिए ऑरेंज कलर का प्रयोग दूसरों के लिए करना है, और स्वयं के लिए पीला या गोल्डन शेड काम में लेना है, इससे इनको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। काले रंग का प्रयोग दूसरों के काम में ले सकते हैं, इससे उनको फ़ायदा होगा। इनको भी पपीता या कोई भी पीले फल का सेवन करना है, इससे इनको भाग्योदय होने में मदद मिलती है। तो आज हमने आपको बताए राशि और लग्न के हिसाब से आपको कौन सा कलर का प्रयोग करना है जो आपकी जीवन की समस्त कष्ट मिटा सकता है, समस्त बाधाओं को शांत कर सकता है, और आपको इतना रुतबा देता है, इतना लाभ देता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो इसको आप जीवन में अप्लाई करिए, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, आपकी रियल हितैषी। इसी तरह की जानकारी देती रहूँगी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में है। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।